जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर में। पिछले लेक्चर में हमने वोल्केनो तक कवर कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे उस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे गीजर एंड हॉट स्प्रिंग से। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है गीजर एंड हॉट स्प्रिंग, से स्टार्ट करते हैं। इट इज फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर आउटपोर विथ प्रेशर। जो हॉट वाटर का फाउंटेन होता है उसे हम गीजर कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। दिस आर फाउंड रेयरली, और यह रेयरली पाया जाता है। एग्जाम्पल येलोस्टोन नेशनल पार्क USA, ये अमेरिका में पाया जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर। उसके बाद हॉट स्प्रिंग किस प्रकार रहती है। तो हियर एक्यूमुलेशन ऑफ हॉट वाटर अकर्स इन लो लाइन एरिया, ये लो लाइन एरिया में पाया जाता है। और द वाटर rises to the surface without explosion. Such spring contain dissolved minerals which have medical value. और इसमें कुछ मिनरल डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब कि घुल जाते हैं, जो कि मेडिकल वैल्यू में सहायता करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनो। अब हम जानेंगे कि वोल्केनो के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो नेगेटिव इम्पैक्ट है वोल्केनो का पोल्यूशन, ये पोल्यूशन करता है। उसके बाद सेकेंड है एसिड रेन। उसके बाद पॉजिटिव देखें तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद नेगेटिव में देखें तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और फोर्थ है इम्पैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट और गीजर हॉट स्प्रिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है। और ये टूरिज्म, इसमें हमने जाने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। अब आएंगे हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव। सुनामी एक जापानीज वर्ड है से लिया गया है, जिसका मतलब है हार्बर वेव। इट इज सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग ओशियन वेव विथ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ जनरेटेड बाय डिस्टरबेंस एसोसिएटेड विथ प्राइमरली अर्थक्वेक अकरिंग बिलो और नियर द ओशियन फ्लोर। जैसे अर्थक्वेक आता है वैसे ही समुद्र के अंदर सुनामी आती है, और उसमें लॉन्ग वेवलेंथ होती है और जनरेटेड बाय डिस्टरबेंस, और वह डिस्टरबेंस से जनरेट होता है। इसी को हम आगे और जानेंगे। सुनामी इट इज़ एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक सबमरीन लैंडस्लाइड सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन लार्ज मेटेरॉइड इंपैक्ट। ये चार पॉइंट है, इनसे एसोसिएट होता है सुनामी। स्टक एरिया रप्चर रिलीजिंग एनर्जी इज एन अर्थक्वेक, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है इस प्रकार सुनामी आती है। अब पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सुनामी, सुनामी के दुष्प्रभाव। द कॉन्सिक्वेंसेस अराइज फ्रॉम लॉस ऑफ लाइफ ऑफ फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं उन्हें अपनी लाइफ का लॉस करना पड़ता है। अननोन डैमेज ऑफ कोरल रीफ फ्लोरा एंड फ्योना,
जो कोरल रीफ रहती है उनमें भी डैमेज होता है। इट मे टेक अ ईयर टू कोरल टू बिकम अगेन हेल्थी। इट अपरूटेड द रूट्स ऑफ मैंग्रोव, द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, हमारे इंडिया में अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। पिछले लेक्चर में हमारा कवर हो गया था, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा था, उसे हमने आज कवर कर लिया है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।